हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तोसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चैन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन चैन को बारीकी से समझेंगे आज, और ये भी समझेंगे कि ऑप्शन बार किस तरीके से ऑप्शन चैन को देखें ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चैन दो तरीके से देखी जाती है। पहला तरीका हमारा ऑप्शन बायरों का होता है, दूसरा जो होता है ऑप्शन सेलरों का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है मार्केट में। तो इस डिफरेंट को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन पर आपको लेकर जाऊंगा, तो ये पूरा समझाऊंगा ऑप्शन चैन के बारे में। तो फिलहाल वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास गूगल सर्च है और यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ ऑप्शन चैन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन चैन सर्च कर लिया है। फिलहाल मैं एनएससी की वेबसाइट पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन ही क्लियरली मुझे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन चैन का थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मेरे पास नए होंगे और जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होता, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक तो सिंपल सा है कि ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट होता है कि पूरा जो है मार्केट में कितनी बार पोजिशन हमारी बनी है और कितनी नहीं बनी है। तो टोटल को उनका ओवरऑल जो कैलकुलेशन होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, चेंज इन वाइड होता है हमारा, सिंपल सा मैं बता दूँ, चेंज इन वाइड हमारा हो गया एक दिन में कितना चेंजिंग, मतलब कितने यहाँ पर पुट राइटर बढ़े हैं या कॉल राइटर घटे हैं। ठीक है, तो सिंपल चेंज इन वाई, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम में सिंपल हम बता दें, ओआई और चेंज इन वाई का प्लस कैलकुलेट बनाने के बाद यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दूसरा आई बी हो गया। आई बी एक पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का एक डेल्टा होता है, आई बी के हिसाब से मैं अज्जा बता दूँ, डेल्टा समझ लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आई बी एक डेल्टा होता है जो हमारा एक स्ट्राइक प्राइस के जो कैलकुलेशन को, यानी कि प्राइस के मूवमेंट को अच्छी तरीके से कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एलटीपी होता है। एलटीपी आपको क्लियरली पता होगा। ठीक है, तो एलटीपी जो पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो रेट होता है वो स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेम इधर है वो इधर भी होता है। बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस हमारी टोटली ये होती है। यहाँ पर आप क्लियर कट में समझ होंगे। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में आपको क्लियरली पता होगा, नहीं पता है तो मैं नीचे आपको क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं हम नीचे की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे ऑप्शन चैन को किस तरीके से हम लोग देखें ताकि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, क्योंकि हर लोग, हर आदमी जो है प्रॉफिट के लिए मार्केट में आता है और प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पर टोटली हम सेलेक्ट कर देंगे वो एरिया जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ऑप्शन बाइंग हमें कहाँ पर करनी चाहिए और जो है उसकी सेलिंग कहाँ पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कट में आपको वो एरिया सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ये कुछ स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर हम एरिया डिफाइन करेंगे और समझेंगे एक और एक चीज़ को कि यहाँ पर हमें कहाँ से क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एरिया डिफाइन कर लिया। हम अगर इंट्राडे बेसिस पर करते हैं इसको तो हमें जो है क्लियर कट में यही एरिया डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा छूट गया है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्लियर कट में यहाँ पर ये भी पता चलना चाहिए कि हमें कब बाइंग करनी चाहिए और कब सेलिंग करनी चाहिए। अगर हमको यही पता नहीं होगा तो हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, और इतना आसान नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर पैसा कमाना। जब तक आप सीख नहीं जाओ, समझ ना हो, उससे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करो भी मत। ठीक है, तो यही मेरा कहने का क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैंने एक एरिया आपको जैसे कि डिफाइन कर लिया, अभी इस एरिया को हम समझेंगे बारीकी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ऑलमोस्ट आज जो मार्केट क्लोज हुई है वो हमारी ऑलमोस्ट हुई है 15,700 और 15,750 के लगभग बीच में। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहीं पर मार्केट जो है क्लोज हुई, ना तो 700 से ऊपर बढ़ी है ना 750 से नीचे आई है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता हो गया। अब उसके अलावा इस जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो हमारी सेम स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर मैं बेसिक बताऊँ थोड़ा सारा, तो हमारी ये जो स्ट्राइक प्राइस है हमारी ये कहलाई जाती है एटी। ठीक है, ये हमारी कहलाई जाती है एटीएम। ठीक है, जो लोग हमारे पास नए हैं उनके लिए खास करके बता दूँ, ये हमारी कहलाई जाती है एटीएम। ठीक है, अब उसके अलावा जो हमारा कॉल का हमारा ओटीएम होगा, तो कॉल का ओटीएम हमारा ये होगा। ठीक है, कॉल का ओटीएम हमारा ये है और पुट का ओटीएम हमारा ऊपर साइड में होगा। ठीक है, अब आईटीएम की बात करें तो आईटीएम कॉल का ऊपर साइड में होता है और नीचे साइड में हमारा
ओटीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कॉल साइड पुट साइड का मैं एटीएम ओटीएम समझने के लिए बहुत अच्छा। दूसरा यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो उसका कलर ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा होगा, आप बारीकी देख सकते हो, जांच के आप देख सकते हो। तो इसका जो कलर है ऑलमोस्ट थोड़ा सा अलग होता है, डार्क होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें पता चल जाता कि ये हमारा आईटीएम है, ठीक है। सो एटीएम आईटीएम सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमें क्लियर पता चल जाता कि ये एटीएम है। अब उसके अलावा यहाँ पर हम समझते हैं एरिया बाई एरिया डिफाइंड करेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो हमें अगर मान लीजिए हम एक ऑप्शन वायर है तो हम उसके लिए थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पर हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर वीक का पहला हफ्ता है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है फ्राइडे का दिन था। तो अब हमें समझना चाहिए कि मार्केट हमारा ऑब्वियसली कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम समझें तो ऊपर साइड में किस कहाँ तक जा सकता है, ऊपर साइड में हम यहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, तो यहाँ पर हमें एक एरिया मिला कि अगर मार्केट ऊपर साइड में जाएगा तो हमारा यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे को साइड में गिरता 15700 नीचे गिरता तो हमारा एक एरिया यहाँ पर हमें ये ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है। तो हमारा एक हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया जिससे कि हमें एक नॉलेज मिली कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिर सकता है और यहाँ से ऊपर को उठ सकता है। तो अगर हम मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर को गया तो 15900 तक आया तो हमें यहाँ पर पुट की जो है पोजीशन बनानी है। यहाँ पर क्लियर कट में आपको समझ, यहाँ पर हमें पुट की पोजीशन बना लिया और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देता है रिवर्सल का, तो हमें यहाँ पर पुट की पोजीशन बना पुट वाइन करनी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलमोस्ट 15900 तक आ जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें अगर हमारा मार्केट जो है नीचे की साइड गिरता है और 15500 तक हमारा ऑलमोस्ट गिर जाता है तो हमें 15500 पर गिरने के बाद में हमें यहाँ से कॉल की बाइंग करनी होती है, ठीक है। कॉल की बाइंग करनी होती है क्यों, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। तो हम यहाँ पर कॉल की बाइंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है एक एरिया हमने डिफाइन कर दिया कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और यहाँ तक जा सकती है। तो क्लियर कट में आपको सब पता चल गया होगा। और अब हम थोड़ा सा समझेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ भी समझेंगे कि हमें यहाँ पर क्लियर कट में ये तो पता चला कि हमें कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी हमें यहाँ पर देखिए क्या होता है कि लास्ट में कुछ यहाँ पर हमें नीचे की साइड अगर हम देखें तो हमें टोटली ओपन इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा देखा जाए तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है और वॉल्यूम हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चेंज इन वाई मार्केट में नहीं मिलता है हमें करने के लिए, तो हमें यहाँ पर इसके लिए अब यहाँ पर वॉल्यूम के बेस पे भी हम पीसीआर थोड़ा सा पीसीआर को भी समझेंगे। तो पीसीआर को तो आप क्लियर पता होगा कि पीसीआर को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। पीसीआर को भी यहाँ पर देखना होता है, उसके बाद ही हम आगे की पोजीशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर रिवर्सल के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो दूसरा हमने यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर सपोर्ट तो समझ लिया, सपोर्ट तो हमें कहाँ मिला, एक सपोर्ट हमारा जो मार्केट ऊपर गया तो हमें 1500 का मिला और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस मिला सॉरी ऊपर वाला जो ऊपर वाला सपोर्ट मिला तो हमें 1500 का मिला और नीचे रेजिस्टेंस है वो हमारा 15500 का है। तो क्लियर कट में यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा समझ आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।